कोरोना और उसके बाद लगे लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी दर का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। अरे पापा, ये कोविड की वजह से तो बहुत बुरा हाल है। न जाने कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। वो मेरा दोस्त है ना अभिषेक, उसके पापा की भी जॉब चली गई। पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे वो लोग। हाँ बेटा, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। खैर, मैं निकलता हूँ। अरे पापा, वो 1000 रुपये मिल सकते हैं क्या? 1000 रुपये? लेकिन क्यों? एक्चुअली मैं, मानव और विक्की कल पार्टी कर रहे हैं ना, वो हमारे एग्जाम्स ख़त्म हो गए तो बस उसी के लिए चाहिए थे। अच्छा, लेकिन बेटा इस वक्त तो कैश नहीं है मेरे पास, तो शाम में ले ले। हाँ ठीक है पापा। चल ठीक है फिर। हेलो। हाँ भाई, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बोर हो रहा हूँ। अबे हाँ यार, मैं भी। एक तो एग्जाम जब से खत्म हुए हैं ना, कुछ करने को ही नहीं है। सही बात है। खैर कल मिल तो रहे हैं, गेम खेलेंगे यार। अबे हाँ यार, मजा आएगा। मैंने विक्की से भी बात कर ली है, खाएंगे पिएंगे चिल करेंगे। चल सही है, कल मिलता हूँ। चल ओके फिर, बाय। चल ओके। अबा, वो 1000 रुपये देने वाले थे आप। अरे हाँ यार, ये ले बेटे, लेकिन शाम को टाइम पे घर पे आ जाना। अरे बिल्कुल पापा। हरवा दिया ना तूने यार, अब तो भूख लगने लगी है, खाना मंगवा लेते हैं। हाँ यार, भूख तो लग रही है। तो सोच क्या रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। अच्छा तो क्या मंगवाऊँ? एक काम कर, पिज्जा मंगवा ले। क्यों विक्की? हाँ यार, पिज्जा सही रहेगा। बेटा बहुत हो गया तेरा, अब देख मैं क्या करता हूँ। अब चल। अरे यार, कैसे यार, खेलता है यार। फोन आ रहा है। खाना आया होगा, देख ले। हेलो। हाँ भैया, हाँ हाँ, चलो हम आते हैं। खाना आ गया। हाँ तो ले आना जाके। पेमेंट तो तू करेगा। चल फिर दोनों ही चलते हैं। हाँ चल। क्या भैया इतनी लेट? सॉरी सर। अबे ले ना। हाँ 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 ठीक है, ये भी। हाँ चल ठीक है। पापा, पापा क्या हुआ है? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आखिर कब तक अवॉइड करेंगे आप? कभी तो बात करनी पड़ेगी ना। आपने क्यों नहीं बताया मुझे इस सब के बारे में? क्या बताता तुझे कि कोविड की वजह से तेरे पापा की नौकरी चली गई है और वो अब एक मामूली डिलीवरी बॉय है। ऐसे ये सब देखकर तुझे कितनी शर्म आ रही होगी। हाँ पापा, सही कहा आपने, शर्म तो मुझे आ रही है, लेकिन इस बात पर नहीं कि आप एक डिलीवरी बॉय हो, बल्कि इस बात पर कि आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं सच जान सकूं, आपकी परेशानी समझ सकूं। वो बात नहीं है बेटा। पापा सच कहूं तो आपको मानव के घर पर देखकर मैं शॉक हो गया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। इस एज में भी आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मैं हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा हूँ,
तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आज आज मुझे आप पर शर्म आएगी? जिंदगी की भाग दौड़ में तू कब इतना बड़ा हो गया बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी बेटा, मैं भूल गया था कि तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं आज के बाद तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा बेटा, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा मैं। मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में।